ये जो अश्रद्धा थी उनकी, इसने अकर्मण्यता, जड़ता और पलायन पैदा कर दिया, तो वो रहकर भी दूर हैं। और जब कभी अकर्मण्यता आए, आलस्य आए या अवसाद आए, तो फिर उपदेश की आवश्यकता रहती है। गीता का जन्म अवसाद के कारण है, विषाद के कारण है, पलायनता पैदा हुई, अश्रद्धा अकर्मण्यता पैदा हुई है। यही तो सारे गुण हैं अर्जुन के, यही तो उसकी दैन्य अवस्था में प्रकट हुए हैं। ये सब अवसाद, गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, अवसाद। तनिक विचार तो करो कि गीता अवसाद से पैदा हुई है। अवसाद, अवसाद अश्रद्धा के कारण है, अविश्वास के कारण है, फिर उसके कारण भी अकर्मण्यता है, और वही फिर पलायन है। कितनी दुर्बलता है चित्त में, एक नैराश्य भी है, फिर हताशा है, इसलिए दुर्लक्ष भी है। भगवान के उपदेश आरंभ हुए और सहसा दैन्य गया, हताशा नैराश्य खोने लगी, द्वंद्व अवसाद भाग गया। अब वो कहता है, करिष्ये वचनम तप, अब जो आप कहेंगे वही करूंगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तप। नष्टो मोहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति भी आ गई है। श्रद्धा वीर्य स्मृति, श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा समाधि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषा। श्रद्धा वीर्य समाधि, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषा। पतंजलि कहते हैं कि श्रद्धा को संभाल के रखो पहले, श्रद्धावान लभते ज्ञान, वही सत्य को संभाल कर रखती है, वो आंखें खोलती है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, ये श्रद्धा प्रकट हुई सत्पुरुषों के सानिध्य में।